एचएम संविदा कार्मिकों ने बुधवार को विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। नियमित किए जाने की मांग को लेकर 27 फरवरी से जिला मुख्यालय पर आंदोलन कर रहे कार्मिकों ने बुधवार को जिला कलेक्टर के आगे झाड़ू लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। कार्मिकों ने कहा कि सरकार ने हमें झाड़ू थामने के लिए मजबूर कर दिया है। साथ ही इन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सीएम का विरोध किया जाएगा। शेर सिंह ने बताया कि 8 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के दौरान सीएम का विरोध किया जाएगा तथा प्रदेश भर में 5,000 कार्मिक जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। जिला मुख्यालय पर पहुंचकर कार्मिक सीएम राज्य का विरोध करेंगे। इन्होंने कहा कि राज्य ने सुराज संकल्प पत्र में झूठा वादा किया तथा उनको सड़कों पर ला दिया। आज एनआरएचएम कार्मिक यहां पर सभी जिलों से आकर के एकत्रित हुए हैं और ये सफाई का एक कार्यक्रम रखा गया है। मोदी जी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें परमानेंट नहीं किया गया, हम झाड़ू उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हमें जब 2013 की जो भर्ती हमारी अभी तक पेंडिंग चल रही है, सीएम महोदय बार बार उसके वादे कर रही है, मंत्री महोदय उसके बार बार वादे कर रहे हैं, अभी तक वो पूर्ण नहीं हुई है। हमारे साथ के जो नर्सिंग कर्मचारी थे उनको परमानेंट कर दिया गया है और आज दिनांक तक इस भर्ती पर हमें केवल आश्वासन मिले हैं। कल का जो कार्यक्रम 8 तारीख को उसको हमने टारगेट रखा है और उसको रख करके जो ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, पूरे राजस्थान के कार्मिक कल यहाँ आज शाम तक पहुंच जाएंगे और पूरे कल जो मोदी जी के सामने इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे कि किस तरह से हमारा शोषण हुआ है इस बीजेपी सरकार के द्वारा। सुराज पत्र में इन्होंने घोषणा करी थी, आज तक वो पूरी नहीं हुई, न उसके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई की है। तो सारे कर्मचारी जो है वो असंतुष्ट हैं, इस असंतोष को कल हमें प्रकट करेंगे और चाहे हमें पुलिस का शिकार होना पड़े, प्रशासन का शिकार होना पड़े, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं रहेगी। और हम बड़े पैमाने पर लोगों को यहाँ पर हमने इकट्ठा किया है, 5,000 के करीब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कल का जो कार्यक्रम उसको हम फैल करने की हमारी पूरी तैयारी। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए CNU के साथ।